हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। टुडे आई टीच यू सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस क्लास 6। आज मैं कराऊंगा आपको प्रोटीन के बारे में, ठीक है यार, हम पढ़ाएंगे आपको प्रोटीन के बारे में। नाउ स्टार्ट, we are discuss about the proteins, okay? Proteins contain carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. जो प्रोटीन होती है वो एक काफ़ी पोषक तत्व होता है, इसके अंदर हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और इसका जो कंटेन होती है, जो बनी होती है, कई चीज़ों मिलकर बनी होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रोजन, ठीक है, ये चार चीज़ों को मिलकर बनी होती है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट इन प्रोटीन, और जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन का मुख्य अपघटक मुख्य घटक है, ठीक है। सम प्रोटीन मे कंटेन सल्फर एंड फास्फोरस, कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो सल्फर और फास्फोरस से बनी होती हैं। एमिनो एसिड्स आर द सिंपलर सल्फर एंड सिंपलर स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन, जो सिंपलर है, ठीक है, देख सकते हैं। एमिनो एसिड्स आर द सिमिलर सिंपलर स्मॉलर यूनिट ऑफ प्रोटीन, जो एमिनो एसिड है वो क्या है, सरल और सबसे छोटी इकाई है प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन के नॉट बी स्टोर इन द बॉडी, प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती। एक्सेस प्रोटीन आर आइदर कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज, और जो एक्सेस जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन जो मात्रा अधिक होती है वो ग्लाइकोजन रूप में स्टोर हो जाती है, और एक्सट्रैक्टेड एज यूरिया फ्रॉम द बॉडी थ्रू द किडनी, और एक्स्ट्रा होती है वो बॉडी से रिमूव कर दी जाती है यूरिया के रूप में, ठीक है, बाय द किडनी, ठीक है। किडनी हमारे अंदर जो है फिल्ट्रेशन कार्य करती है, और जो अवशेष पदार्थ होते हैं लिक्विड फॉर्म में वो किडनी के द्वारा ही हमारी बॉडी से रिमूव किया जाते हैं फिल्टर करके, ठीक है। चलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन। इम्पोर्टेंस, प्रोटीन हेल्प टू बिल्ड आर आवर बॉडी एंड फॉर रिपेयरिंग बोन आउट टिश्यू। जो प्रोटीन होती है वह हमारी बॉडी के लिए बिल्ड वृद्धि करती है, हमारे शरीर को बनाती है, स्ट्रॉन्ग करती है, मजबूत बनाती है, एंड रिपेयरिंग बोन आउट टिश्यू, और जो टिश्यू होते हैं ऊतक होते हैं उनकी टूट फूट की मरम्मत करती है। सो दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसीलिए इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज आल्सो ए प्रोटीन, हीमोग्लोबिन क्या है, वो प्रोटीन है। इट इज़ इसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके लिए जो गमन के लिए मूवमेंट करने के लिए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अति आवश्यक है। द सोर्स ऑफ प्रोटीन आर लीन मीट, फैट फ्री मसल्स, फिश, एग, मिल्क, चीज, नट्स, बीन, पी आर एक्स। तो लीन मीट, फैट फ्री मसल्स, जो चिकनाई फ्री मसल्स होते हैं, फिश, एग, मछलियाँ का मीट, एग, अंडे, मिल्क, दूध, चीज, कोई वगैरह होता है, नट्स जो मूंगफली वगैरह होती हैं, बीन्स दाने दालों के, पी मटर वगैरह यानी दालें, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कुछ डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर कुछ दालों को पिक्चर दे रखी हैं, देखें जरा, ये बीन है, ठीक है, ये पी या मटर है, ये सोयाबीन है, ये मूंग है, ये ग्राम है, चना है, एंड ये तुअर दाल है, ठीक है। ये सभी दालें जो दे रखी हैं यहाँ पर, सभी क्या है,
ये सभी प्रोटीन की सोर्स हैं, प्रचुर मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। नीचे देखें आप, सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन प्लांट्स सोर्सेज, ये सभी किससे प्राप्त होती हैं, प्लांट से, बट ये सब किससे मिलेंगे, एनिमल से, एनिमल से चीज, मिल्क, बटर, ठीक है, और आपका एग, फिश, चिकन, मटन, ठीक है, ये सब दे रखा है, पनीर वगैरह दे रखा है, और दही वगैरह, ये सब किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। तो प्रोटीन दो तरह से मिलती है, एक तो प्लांट से, दूसरा एनिमल से। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बताऊंगा आपको विटामिन्स के बारे में, ठीक है। विटामिन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प टू मेंटेन अ हेल्थी बॉडी। विटामिन्स क्या है, ये रासायनिक पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड बाई अवर बॉडी इन स्मॉल क्वान्टिटी, बस इसकी छोटी सी मात्रा ही हमारी बॉडी के लिए सफिशेंट होती है, ठीक है। विटामिन आर क्लासीफाइड इन टू टू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ दियर सॉल्युबिलिटी इन फैट्स एंड वाटर, इनकी घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो वे जो फैट्स में घुलनशील होते हैं, सोलवेंट फैट्स, एंड सेकेंड सोलवेंट वाटर। विटामिन ए डी ई एंड के आर फैट सोलूबल, विटामिन ए डी ई और के, ये चार विटामिन कैसे हैं, फैट सोलूबल हैं, ठीक है, वसा में घुलनशील है, वाइल विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोलूबल, और विटामिन बी और सी, ठीक है, बी कम्प्लेक्स होता है और सी सी में खट्टे पदार्थ हैं, ये सब क्या है, वाटर सोलूबल है। ओके स्टूडेंट्स, आज के इतना ही, बाकी आपको मैं कल बताऊँगा इसके बारे में विस्तार से, एंड थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।